अभी डिस्ट्रिक्ट रियासी से हैं और प्रदीप भैया भी 63K फॉलोअर जर्नी मोर देन 60,000 की और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आज इतनी इस मुकाम में पहुंचे। मुगा बंजारा आया अभी हाल ही दूसरा लेटेस्ट मेरा दो मोर तसीले दिया कुड़ियां आया। तो गाइस फर्स्ट टाइम अपने भाई के साथ व्लॉग आज मैं बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोनों की जो बातचीत है आप लोगों को पसंद आएगी और एक दूसरे का हम बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं इनको बहुत ज़्यादा देर से नहीं जानता हूँ, कुछ ही महीनों से पहले 1-2-3 मुलाकातें हुई थी और उसके बाद कंटिन्यू हमने सोचा कि कई बार मिलने का, व्लॉग करने का और नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, कभी इनके पास समय नहीं होता था, कभी मेरे पास नहीं समय होता था। तो आज इनके एक्चुअली कटरा में ही ऑफिस है, मीडिया जगत से लोग जुड़े हुए हैं और मेरे को भी शायद काफ़ी दिनों से ये फॉलो करते होंगे। मैं भी व्लॉगिंग जो करता हूँ कटरा में, खासकर वेदर अपडेट या फिर वैष्णो देवी यात्रा या कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो आप लोगों को व्लॉग वगैरह जरूर है शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही इनसे पूछते हैं, नाम बता दो मेरे, खासकर यूट्यूब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और अपनी थोड़ी बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन में पूछना चाहूँगा। सभी को, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रेम भरी जय माता जी। तो मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं रियासी का ही रहने वाला हूँ और कटरा में एज ए मीडिया में एडिटर जॉब करता हूँ। तो सबसे एक कॉमन बात यह है कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ और प्रदीप भैया भी डिस्ट्रिक्ट रियासी। संख्या से हिसाब से देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है विजिटर हैं, पैसेंजर हैं, यानी ट्रैवलर हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल पुल अभी बनने जा रहा, ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के दो भाई हैं और हम दोनों की बातचीत आज पहली बार, पहला व्लॉग आपके साथ है। और बेसिकली आज मेरा इनके ऑफिस में आने का मकसद ये था कि ये खुद भी, मैंने उम्मीद नहीं थी, इनका खुद का भी एक पेज है। पेज का नाम बताओ सबसे पहले, जो फेसबुक पे आपका पेज है। हाँ, मेरा फेसबुक में पेज है माँ वैष्णो देवी जी भवन कटरा करके। अभी हालांकि 63K फॉलोअर हुए हैं भाई साहब, 63K फॉलोअर यानी मोर देन 60,000 जो है फॉलोअर्स प्रदीप भाई के फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा ये मेरे नहीं है, माता रानी के हैं, क्योंकि मैंने उनके, फिर भी कहीं ना कहीं ये मेहनत तो जो होती है वो एक ह्यूमन बींग की रहती है पीछे, कड़ी मेहनत जो आपने की है। हाँ। मैं तो आपको ही मतलब क्रेडिट दूंगा इसका। खैर, माता रानी का तो आशीर्वाद सब पे रहता है, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कार्य हो, तो वो माता रानी का साथ, आशीर्वाद हमारे साथ है ही है। बट इसके पीछे अगर हम लोग मेहनत ही ना करें तो हम सब क्या, वो तो आप खुद ही जानते हो कि भाई मेहनत करने बिना फल नहीं मिलता है। तो चलो हमने भी ट्राई की और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आज इतनी इस मुकाम में पहुंचे। अच्छा, शुरू में क्या क्या काम किए हैं या एजुकेशन की क्या बैकग्राउंड है आपकी, बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि वो इंटरेस्टिंग मतलब कि ये पार्ट थोड़ा सा शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मेरे पापा अभी मतलब कि पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, तो मैं एक मतलब कि बैकवर्ड गाँव से रहने वालों, अगर देखे जाए तो मेरी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो मैं एक लू गाँव है वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं, आपने बात करनी कि मेरी मीडिया की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो एक मेरे मतलब कि नौनी भैया थे, उनका नाम मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा, प्रदीप शर्मा जर्नलिस्ट करके उनका चैनल है, आप जानते भी होंगे। तो एक्चुअली एक दिन की बात है, मैं सोचता था कि मैं मीडिया में जाना चाहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे भैया कवरेज के लिए आए हुए थे, तो मैंने उनको देखा यार, मैंने सोचा यार मीडिया भी एक मतलब कि होती है, मुझे भी एक दिल में फील हुआ यार काश मुझे भी मीडिया करना चाहिए। तो मेरी उनके साथ बातचीत हुई, तो मैंने कहा सर आप कहाँ से ये वो, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से हूँ और मैं मीडिया में हूँ ये वो। मैंने कहा यार भैया मुझे भी आपके साथ आना है, और आप क्या मुझे अपने साथ एज ए कैमरामैन ले सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। तो कुछ ही चंद हूँ मैं उनके साथ, फिर मैं कैमरामैन बन गया, फिर मुझे थोड़ा एडिटिंग का शौक पड़ गया, फिर जैसे आगे बढ़ा। और एक दिन ऐसे ही हमारे चैनल ने NH1 न्यूज़ ने एक पोस्ट शेयर करी हुई थी कि हमें एडिटर की ज़रूरत है, तो मैंने अप्लाई किया, तो इंटरव्यू दिया, तो मैं उस पर सेलेक्ट हो गया। तो इसके अलावा भी आपके पास एक मल्टी टैलेंट है, यानी बहुत सारे गाने जो है मॉडलिंग वगैरह आपने किया, वो कैसे आपका शौक इस लाइन से, एक हट के लाइन है वो भी, तो उसके बारे में कैसा इंटरेस्ट? यानी अभी तक कुछ गाने भी रिलीज हो चुके हैं, उनके भी अगर नाम शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल जरूर करना चाहूँगा। तो बात ऐसे है कि मैं एक्चुअली मुझे अपने मॉडलिंग का जो मैं शौक बताऊँ, ये मुझे बचपन से रहा है, और मुझे ना एक स्कोप नहीं मिल रहा था कि मैं इस लाइन में कैसे आऊँ। तो मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं, जैसे कि अपने शरद चौधरी करके उनका एक ड्रीम प्रोडक्शन हाउस, उन पर एक मैंने मॉडलिंग ऑडिशन दिया था, मशहूर गायक आपको पता ही है चमन लहरी सर आने वाला था, उन्होंने मुझे उसमें हायर कर दिया।
तो उसका नाम है जम्मू दा बंजारा, आपने ज़रूर देखा होगा। तो वैसे करके बस वहीं से पहला मेरा जम्मू का बंजारा आया, अभी हाल ही दूसरा लेटेस्ट मेरा दो मोर तसीले दिया कुड़ियाँ आया, तो ऐसे ही इसी लाइन में आगे आगे बढ़ते गए और बस इसी इंटरेस्ट बढ़ता गया। कटरा में रहकर आप, मैंने देखा है कि अक्सर कई बार मेरी और आपकी मुलाकात, कभी मैं यात्रा करके आ रहा होता हूँ, कभी मैं जा रहा होता हूँ, तो मुलाकातें होती रहती, तो हफ्ते में मतलब कि कितनी बार आप यात्रा करते हो माता वैष्णो देवी के दरबार, या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर रहता है, या जब मन बन गया तो चले? ऐसा नहीं है, देखो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ महीने का एक बार जाऊँ, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है ये माता रानी का बुलावा आए तभी बंदा जा सकता है, तो बस जैसे माता रानी का बुलावा आए मैं वैसे चले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं महीने में जाऊँ या हफ्ते में जाऊँ। चलिए, और अभी मेन जो है बात है अपने इस भाई प्रदीप की पेज की, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कुछ ही दिनों में ये इन्फॉर्म करने वाला हूँ, हम लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम दोनों मिलकर हम उसी पेज पर जो एक अच्छी तरीके से अपने रियासी को एक्सप्लोर करें, कल्चर को, हिस्ट्री को, साथ साथ में टूरिज्म को, तीन हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। और गाइस आप लोग देखोगे कि हमारी जो यात्रा है, कई बार हो सकता है आने वाले दिनों में वैष्णो देवी की यात्रा हो, कभी शिवगढ़ी हो, कभी पत्नीटॉप हो, तो ये एक किस्म का एक टूरिज्म इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक जो है ब्लॉगिंग के थ्रू हम कोशिश करेंगे देने की। लेकिन एक या दो दिन हमें लगेंगे एक चैनल का नाम सेट करने में, और आप भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है चैनल को लेकर तो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर देखेंगे अगर हमारे सुझाव में वो नाम अच्छा रहेगा तो हम उसी नाम के चैनल को क्रिएट कर लेंगे। और फिर एक दो दिन हमें लगेंगे प्रदीप भैया क्यों चैनल में सोचने में कि क्या नाम रखें, या फिर उसी लाइन का या रखें कुछ इस प्रकार का। हाँ, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया जाए, तो मैं मेरी भी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं कि हम अपने चैनल का क्या नाम रख सकते हैं। तो हम भी सोच रहे हैं और आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें, और मिलते हैं फिर जल्दी ही हम आपके साथ उसी चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे एक ही नाम होगा, और एक या दो दिन में अगले ब्लॉग में हम कुछ चेंज करके और अगले ब्लॉग में आपको पर्टिकुलर नाम बताएंगे, ठीक है? तब तक हम सोच लेंगे कि चैनल का क्या नाम रखना है हमने, और फिर आने वाले दिनों में बीच बीच में जब कॉमन हमें टाइम मिलेगा तो बीच बीच में हमारी जो ब्लॉगिंग है, जैसे अभी देवी पिंडी किसी ने कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, वहाँ पर भी जाएंगे। देवा माई जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे श्रद्धालु नहीं गए होंगे, इतना कम समय लगता है, लेकिन वही कहते हैं ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी कोशिश करें। जिस तरह गर्मियों का मौसम है तो बाबा धनसर भी मुझे लगता है कि 15-20 मिनट जाने में लगते हैं, 15-20 मिनट माने में, आधा घंटा वहाँ रखो, कुल मिलाकर 1 घंटे की ट्रिप रहती है। तो ओवरऑल हम कोशिश करेंगे बीच बीच में ट्रैवल के ब्लॉग को करने की, और बाकी हफ्ते की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रदीप भैया के साथ मेरी भी कोशिश रहेगी कहीं 15-1 महीनों में हम एक जो यात्रा है वैष्णो देवी की भी करें, ताकि वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में भी हम लोग प्रतिदिन जो है अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो व्लॉग वगैरह आएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी चैनल होगा उस चैनल पे प्रदीप भैया भी डालेंगे। तो गाइस आज हमारी ये फर्स्ट मुलाकात थी, फर्स्ट लास्ट में कुछ बोलोगे प्रदीप भैया? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक चैनल में जरूर विजिट करें, माँ वैष्णो देवी जी भवन कटरा करके, तो जैसे ही वहाँ पे आप फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि हम जो नया ब्लॉग आप ले आएँ और आप तक पहुँचे। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय माता दी, जय माता दी।